चैनल मैंने तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एस टी लंडन की ये छोटू छोटू से आई शेडोज मेटालिक आई शेडोज ये इनमें मेरे पास तकरीबन चार हैं एक है सीमिस्ट ट्वेंटी फोर के गोल्ड माइन और पिजन तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस आई मेकअप में वही सब कुछ शेयर करने वाली हूँ और तीन शेड मैंने शेयर किए हैं एक शायद मैं नहीं कर सकी क्योंकि क्यों क्यों मैंने बस जितने यूज़ हो सके भाई मैंने कर लिए तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप लोगों ने ये मेकअप देखना है तो वीडियो में बने रहिए और रही है और yes, यसटार्ट स्टार्ट सबसे पहला शेड है सी मिस्ट ये है एस टी लंडन के फ्रॉस्टेड क्रीम आई शेडोज उसके बाद ये वाला शेड है जो कि गोल्ड में है इसका नेम है ट्वेंटी फोर के उसके बाद जो थर्ड वन है वो है गोल्ड माइन जो कि आप हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो अपने टीयर डग को ब्रॉबॉर्न को और उसके बाद जो फोर्थ वन है वो है पिजन जो कि ग्रीनिश शेड है आज की वीडियो में मैंने इसको यूज़ नहीं किया बाकी तीन मैंने यूज़ किए हैं सो चलिए अब आई मेकअप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेस के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर का आई शेडो जो कि मैंने ग्लैमरस फेस की किट से लिया है आप कोई भी अच्छा सा ब्लैक आई शेडो ले सकते हो या फिर आप ब्लैक पेंसिल से भी जो बेस है उसको क्रिएट कर सकते हो इसको मैं अपने जो आई सॉकेट है उधर तक ही रखूँगी इससे ऊपर नहीं जाऊँगी इसके बाद मैंने ग्लैमरस फेस की जो किट है इससे एक पीछे पिंक कलर लिया है और मैं ब्लैक कलर के जो एजेस हैं शार्प एजेस इनको स्मूथ आउट कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल अलग-अलग से ना लगे बिल्कुल ब्लेंडेड ब्लेंडेड ब्लेंड सा लगे और ये आप लोग देख लीजिए मैंने ब्लैक कलर को बिल्कुल ब्लेंड कर दिया है ये है इनकी आउटर पैकेजिंग थ्री डी लाइट्स क्रीम फ्रॉस्टेड या फ्रॉस्टेड क्रीम आई शेडोज और यहाँ पर इनके नीचे भी इनका शेड जो है मैंशन है और ये है इनकी इनर पैकेजिंग और इसकी बैक पर भी जो शेड होते हैं वो मेंशन होते हैं तो ये वाला जैसा कि मैंने आपको बताया है सी मिस्ट इसको मैं अभी आप लोगों को स्वाच करके दिखाती हूँ बहुत ही ज़्यादा इनका बटरी टेक्सचर है बिल्कुल क्रीम टाइप है और ये जो मैंने एक स्वाच लिया है इसी से मैं जो अपनी आई पर है जो शेड लगाऊंगी मतलब इसके अलावा मैंने कोई भी दोबारा से कोई स्वाइप नहीं लिया था बस इसी से ही मैंने कवर किया और ये इतने पिगमेंटेड हैं कि आई कैंट एवन टेल यू के मतलब वाकई ये बिल्कुल क्रीम की तरह अप्लाई हो रहे थे मैंने कोई भी फिंगर को गीला नहीं किया था ब्रश तो मैंने यूज़ ही नहीं किया आप लोगों के सामने मैंने जो स्वाश ली है उसी को लगा दिया और ये है रिज़ल्ट मतलब ये वाला कलर तो मुझे बहुत पसंद आया है ये आप लोग करीब से भी देख लो उसके बाद मैंने दूसरी आइज़ पर भी जो एक ही स्वाइप ली है उसको मैंने लगा लिया था मतलब दोबारा मैंने बिल्कुल डिप नहीं की अपनी फिंगर आई में और ये भी रिज़ल्ट आप लोग देख लो उसके बाद मैं शेड ले रही हूँ गोल्ड माइंड जिससे मैं अपनी ब्रॉबोन को हाईलाइट करूँगी ये हाईलाइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा शेड है आप इससे चीयर डग को भी हाईलाइट कर सकते हो अपने फेस को हाईलाइट भी कर सकते हो लेकिन इसको इस वक्त इसक मैं अपनी ब्रॉबोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ और इसका भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छा था उसके बाद मैं जो ट्वेंटी फ़ोर के इनका जो गोल्ड वाला कलर है उसको अप्लाई करूँगी अपने चीयर डग को हाईलाइट करने के लिए ताकि मैं उसका भी रिज़ल्ट आपको दिखा सकूँ वरना यूजली ये होता है कि जिससे मैं अपनी ब्रॉब ब्राउन हाईलाइट करती हूँ वही वाला शेड मैं टीयर डग पर अप्लाई करती हूँ लेकिन आज मैं टी एर पर यहाँ पर गोल्डन अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैं अपनी लोअर लेश लाइन के हाफ तक लेकर जाऊंगी कुछ इस तरह से ताकि जो इनर कॉर्नर जो एरिया है ये काफ़ी ब्राइट लगे यहाँ पर मैं आपको बताती ही चलूँ कि मैंने ये शेड कहाँ से परचेज़ किए हैं ये मैंने आउटलेट से जाकर परचेज़ किए थे बट आप इनको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो मेकअप सिटी से आपको ईजिली मिल जाएंगे इसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ जी विंग लाइनर और जो लाइनर है मैं यूज़ कर रही हूँ फोक कलर का पेन लाइनर है बहुत ही अच्छा है पिगमेंटेड है एंड वाटर प्रूफ भी है और मैं सिर्फ अपना कॉर्नर जो आई कॉर्नर है इसको इस तरह बना रही हूँ मतलब मैं लैश लाइन पर कोई भी लाइनर नहीं लगाऊंगी बस मैं आउटर कॉर्नर बनाऊंगी और इनर कॉर्नर बनाऊंगी और उसके ऊपर मैं लैशेस अप्लाई कर लूंगी और जो लैशेस मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो हैं फ़ीमा की बहुत पुरानी लैशेस हैं और अभी तक चल रही हैं अब तो पता नहीं ये जिस पेज से मैंने ली थी वो पेज भी ज़िंदा है कि नहीं लेकिन मैं आपको देख के तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूँगी उसके बाद ये एक न्यू प्रोडक्ट मैंने परचेज़ की है बहुत इसके बारे में सुना था तो आज ये मेरे हथेते लग गई मतलब सेल पे थी तो मैंने ये लिपस्टिक ऑर्डर कर ली और ये है जी स्कैंडल मेकर एस टी लंडन का कलर है ये और ये परफेक्ट न्यूट कलर है अगर आप स्मोकी आइज बनाते हो उसके साथ तो बहुत ही अच्छा जाता है उसके बाद जी मैंने बिल्कुल लाइट पीच सा यहाँ पर लगा लिया था ब्लश ऑन और यहाँ पर मेरी लुक है कंप्लीट तो आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर रही है तो मेक श्योर sure अपने वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल को विच इज़ लाइफ विद जोई जहाँ पर मैं व्लॉगिंग करती हूँ अगर आपने उसको नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी और यहाँ पर आइकन में भी मैं आपको चैनल का जो है या या लिंक लगा दूंगी तो आप लोग वहाँ जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उधर भी ढेर सारा प्यार दिखाइए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक रखिए अपना ख्याल अल्लाह बाय बाय